हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर अपडेट, सरकार ने बदल डाले कुछ पुराने नियम। जी हां, नए नियम के अनुसार अब आपको किसी तरह का कोई भी ड्राइविंग टेस्ट RTO जाकर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने इन नियमों को नोटिफाई कर दिया है जो कि दिसंबर से लागू हो चुके हैं। इससे पहले उन लोगों को जो अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए RTO की लाइनों में हैं, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। व्हाट्सएप ने जनवरी में बैन किए 18 लाख से ज्यादा भारतीय अकाउंट। जी हां, व्हाट्सएप ने भारत में जनवरी में लाखों अकाउंट्स बैन किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने 1 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक 18 लाख 50 हजार भारतीय अकाउंट्स बैन कर दिए हैं। इन पर कंपनी के नियम न मानने और पॉलिसी के खिलाफ जाने पर ये कार्रवाई की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 5 साल में 5 लाख नौजवानों को दी है नौकरी, 2 करोड़ नौजवानों को स्वतः रोजगार से जोड़ा। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में चुनावी प्रचार के दौरान कहा कि पिछले 5 साल में 5 लाख नौजवानों को नौकरी दी है और 2 करोड़ नौजवानों को स्वतः रोजगार से जोड़ा है। अगले 5 सालों के लिए सरकार ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में हर एक परिवार के सदस्य या स्वतः रोजगार उपलब्ध कराएंगे। वैज्ञानिकों का दावा, कोरोना संक्रमण रोकने या कम करने में प्रभावी है नीम की छाल। जी हां, नीम की छाल कोरोना संक्रमण रोकने या कम करने में प्रभावी हो सकती है। भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक संयुक्त शोध के बाद ये दावा किया है। वैज्ञानिकों ने तर्क दिया कि नीम की छाल के रस का प्रभाव कोरोना संक्रमित फेफड़ों पर पड़ता है जो वायरस को बढ़ने के प्रभाव और संक्रमण को कम करता है। हालांकि इस पर अभी विस्तार से शोध चल रहा है। IMD ने जारी की चेतावनी, इस साल मार्च से मई के बीच पड़ेगी बहुत अधिक गर्मी। जी हां, भारतीय मौसम विभाग ने आगामी गर्मी के मौसम के लिए चेतावनी जारी की है। 2 महीने की कंपकंपाती ठंड के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी शुरू हो गई है। रोजाना न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। IMD ने बताया कि दिल्ली में मार्च से मई महीने के बीच बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी। पीएम मोदी ने कहा, अपनी बढ़ती शक्ति के कारण यूक्रेन से नागरिकों को निकालने में सक्षम भारत। जी हां, पीएम मोदी ने कहा कि भारत की बढ़ती ताकत के कारण ही सरकार यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने में सक्षम है। उन्होंने यूपी की रैली में कहा कि जिन लोगों ने सशस्त्र बलों की वीरता और मेक इन इंडिया पर सवाल उठाया है, वे देश को मजबूत नहीं बना सकते। यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों को लेकर प्रहलाद जोशी के बयान पर बवाल, अखिलेश यादव ने बताया घोर निंदनीय। जी हां, अखिलेश यादव ने BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के मंत्री का अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना कि नाकाबिल लोग ही यूक्रेन जैसे देशों में पढ़ने जाते हैं, ये घोर निंदनीय है। भाजपाइयों की आदत बन चुकी है कि वो अपनी कमी के लिए दूसरों में दोष ढूंढते हैं। बेरोजगारी पर लोगों को ही नाकाबिल कह देते हैं व नोटबंदी कोरोना के लिए व्यवस्था को। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।